अब रुख करते हैं खानकाह डोगरा की जानिब, जहां पर गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल की इमारत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। तलबा फर्श पर पढ़ने पर मजबूर हैं, जबकि स्कूल में सिक्योरिटी और पीने के लिए साफ पानी का कोई इंतजाम भी नहीं है। इसी हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज मुदस्सिर अली भट्टी से। मुदस्सिर अली भट्टी, अपडेट कीजिएगा, बच्चों को तालीम के हवाले से मजीद क्या मुश्किल का सामना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी और कमरों की बात की जाए, पानी की बात की जाए, यहाँ पर हालत हजार बहुत बुरी है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी का किसी किस्म का बंदोबस्त नहीं किया गया। अगर कमरों की बात की जाए तो यहाँ पर कमरों की हालत हजार इतनी खतरनाक है, तो यहाँ पर जब भी कभी बारिश होती है तो यहाँ पर पानी की छतों से टपकना शुरू हो जाता है और छतें भी यहाँ पर गिरने वाली हो, काफी खस्ता हाल का शिकार है। और आप ये देख सकते हैं, तो मैं ग्राउंड में भी मौजूद हूँ, यहाँ पर ग्राउंड में भी पानी खड़ा है। किसी भी वक्त यहाँ पर डेंगू जैसे मौसम मच्छर भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन किसी किस्म का यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सहूलत यहाँ पर मुयसर नहीं की गई। इस वक्त मेरे साथ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं स्कूल के, उनसे पूछते हैं कि अगर उन्होंने साफ पानी पीना हो तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया, स्कूल में कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है कि नहीं लगाया गया। इनसे पूछते हैं कि पानी के हवाले से इनको क्या करना पड़ता है। बेटा आप बताओ, अगर आपने कभी पानी पीना हो तो आप कहाँ से जाकर पानी पीते हो? हम पानी फिल्ट्रेशन वाला पानी चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल में फिल्ट्रेशन वाला पानी मौजूद नहीं है। तो पानी आप कहाँ से जाकर? नलके से। जी बिल्कुल, स्कूल में एक छोटा सा नलका लगा हुआ है जहाँ से ये बच्चे नन्हे मुन्ने पानी पीते हैं, और कोई भी यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाया गया। अगर यहाँ पर कमरों की बात किया तो यहाँ ना तो कमरों में कर रहे थे, जहाँ पर बच्चों के लिए पीने के लिए साफ पानी भी मैसर नहीं है।